तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीकांश। दोस्तों, आज जो जानकारी या फिर इस वीडियो में मैं जो बात आपके लिए लेकर के आया हूं या जिस पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो वाकई में बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों, सिंघू बॉर्डर से आज जो जानकारी सामने आई है वो वाकई में बेहद हैरान करने वाली भी है और दिल को झकझोर देने वाली भी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर लगातार पिछले लगभग 10 महीने से भी ज्यादा समय से किसान लगातार 3 कृषि कानून को लेकर के विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह पर बॉर्डर पर जहाँ पर किसान ये विरोध कर रहे हैं, वहां पर आज एक शख्स का शव, जिसको बहुत हम कह सकते हैं कि बेरहमी के साथ मारा गया है, वो आज वहां से बरामद हुआ है। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बरकरार है। हालांकि सुबह 5 बजे जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस वहां पे पहुंचती है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू करती है और उसके बाद एक एक करके इससे जुड़े हुए जो तमाम खुलासे हैं वो होने शुरू होते हैं। अब ये मामला क्या था, क्यों यहाँ पर इस तरीके से शख्स को बर्बर तरीके से मारकर लटकाया गया और जिस तरीके से इस शख्स को मारा गया है वो बहुत भयानक है, बहुत परेशान कर देने वाला है, जिसकी तस्वीरें भी शायद आप देख नहीं सकते हैं इस तरह से उस शख्स के साथ जो बर्बरता है वो की गई है। अब इसके पीछे की क्या इनसाइड स्टोरी है, क्यों इस शख्स को इस तरीके से टारगेट किया गया है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल ये कौन था जो युवक जिसको इस तरीके से मारा गया और किसने इनको मारा या किसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं या इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल तरन तारण जिले के चीमा खुर्द गाँव का रहने वाला ये शख्स है जिसका नाम है लखवीर, जिसको बर्बर तरीके से मारा गया और कहा यह जा रहा है कि इसको निहंगों की तरफ से मारा गया है, क्योंकि उन्होंने गुरग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी, उसको लेकर के कुछ ऐसी बातें इनकी तरफ से कही गई थी और इसी बेअदबी से इतना ज्यादा आहत हुए हैं निहंग कि उन्होंने इस बर्बर तरीके से सजा दे दी, या एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके की तालिबानी जो सजा है वो दी गई इस शख्स को, जहाँ पर उसके हाथ तक काट दिए गए और उसके बाद उसको बर्बर तरीके से मारकर वहीं लटका दिया गया। हालांकि अभी तक इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसी ने नहीं ली है, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उनकी तरफ से जरूर कहा गया है कि निहंगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है और इसके पीछे का जो कारण है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेअदबी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं निहंग बहुत ज्यादा आहत हुए थे और इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस की जो जाँच है वो ये कह रही है कि उनको जब ये जानकारी मिली किस तरह की घटना हुई है तो वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, सभी साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और अभी जो बात फिलहाल निकल कर सामने आ रही है उसको लेकर के जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन हाँ, इस घटना के घटित होने के बाद सवाल कई तरह के खड़े हो गए कि आखिर इस जो शख्स है इसके साथ किस तरह की बर्बरता क्यों की गई है, सवाल पहला ये है। दूसरा ये है कि अगर गुरग्रंथ साहिब की बेअदबी इस शख्स के द्वारा की गई थी तो उसके पीछे की वजह क्या थी और क्यों इस शख्स ने इस तरह से बेअदबी की कि उसको उसकी जो सजा है वो इस प्रकार की मिली। और तीसरा जो सबसे अहम सवाल ये है कि जो पुलिस जांच कर रही है या जो निहंगों की बात इसमें कही जा रही है, अब ये जाँच के बाद इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है, इसके लिए पुलिस की भी जाँच रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। और अब देखना यह है कि ये घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुआ है और उसके बाद किसानों से जुड़ी हुई जो तमाम तरीके की बातें इससे रिलेटेड सामने आई हैं उस पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है और उसमें आगे क्या कुछ होता है, ये सब देखना होगा क्योंकि ये अभी जांच का विषय है। लेकिन हाँ, फौरी तौर पर चाहे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कही गई बातें हो, वो मैंने आपको बताया कि शख्स जो कि तरन तारण के जिले के रहने वाला था उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ असल कारण इसका क्या है ये पुलिस की जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से हत्या की गई उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब देखना यह है कि पुलिस की जाँच रिपोर्ट इसमें निकल कर क्या कुछ सामने आता है। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें।